आज मैं आपको बताने जा रही हूँ दो बहुत ही यूजफुल और खूबसूरत चीजें जो आप इस आटे के खाली बैग से बना सकते हैं, और एक है इसमें घर को सजाने की चीज और एक है सजाने के साथ साथ संभालने की चीज। तो चलिए पहला बनाते हैं आइटम, जिसके लिए मैंने इस आटे के बैग को काटा 3 equal pieces में। एक्चुअली जो पहला आइटम मैं बनाने जा रही हूँ वो है डाइनिंग टेबल के मैट्स, और ये 3 mats मैं बनाऊंगी और उसमें मैं यूज करूंगी इस आटे के बैग की खाली प्लास्टिक का। तो इसके लिए देखिए मैंने 3 equal parts में इसको कट कर लिया और इसके साथ साथ लिया एक मोटा फैब्रिक। इस फैब्रिक का मैंने अपने किचन का एक कर्टेन बनाया था जो कि मेरे पास एक्स्ट्रा था, क्योंकि मैंने 2 curtain बनाए थे मेरे पास, तो मैंने इसको खोल लिया और इसी फैब्रिक का यूज किया। इस फैब्रिक को भी हम 3 same equal parts में ही कट करेंगे, और जब कभी भी आप प्लास्टिक के साथ किसी फैब्रिक का यूज करें तो थोड़ी ऐसी फैब्रिक लें जिसमें धोने के बाद सरवट ना पड़े, क्योंकि आप इन चीजों पे प्रेस नहीं कर सकते हो प्लास्टिक की वजह से। तो मैंने अब लिया लाइनिंग के लिए एक कपड़ा जो कि वाइट फैब्रिक था, ये थोड़ा पतला कपड़ा था, ये भी मैंने 3 piece कट कर लिए। और अब मुझे इन तीनों लाइनिंग के जो फैब्रिक है और जो मेन मोटा वाला फैब्रिक है उससे एक बैग टाइप स्ट्रक्चर बनाना था। तो देखिए सीधा करके रखा मैंने ये मोटा वाला फैब्रिक और इसके ऊपर जो है ये लाइनिंग का फैब्रिक रखा, और इसमें 3 तरफ अब हम सिलाई कर लेंगे और एक साइड हम इसमें ओपन छोड़ेंगे। तो जो छोटा वाला साइड है उसे ओपन छोड़ दीजिए और 3 तरफ सिलाई कर लीजिए, और देखिए इस तरह से ये सिलने के बाद आप इसे ओपन कर लीजिए। तो अच्छी तरीके से जब ये हमने सिलाई करके इसे ओपन कर लिया, सीधा कर लिया, तो अब हमें इसमें डालना है अपना ये प्लास्टिक की कटिंग। इसको अच्छी तरीके से इसके अंदर डाल लीजिए और बिल्कुल कोने से कोना एकदम मिला लीजिए, अच्छे से इसमें सेट कर लीजिए। और अब जो एक पार्ट आपका खुला हुआ है उसको अब आपको सिलाई करके बंद करना है। तो इसको देखिए इस तरह से हमने कुछ किया, यहाँ से देखिए दोनों साइड इस तरीके से अंदर किए और यहाँ पे हम ऊपर की तरफ से ही इसमें सिलाई कर देंगे, और अब हमारे चारों कॉर्नर जो हैं बंद हो गए हैं। इसके बाद देखिए सिलाई करने के बाद ऊपर की तरफ से जो बाकी के 3 हिस्से हैं उसमें बिल्कुल किनारे की तरफ अब हम सिलाई करेंगे, ताकि ये जो है जो हमारी प्लास्टिक है ये बहुत अच्छे से इसमें एडजस्ट हो जाए। तो हमने 3 तरफ बिल्कुल किनारे किनारे इसमें सिलाई कर ली सफाई से, और ये अब हमारी जो प्लास्टिक की कटिंग है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से इसमें देखिए सेट हो गई। प्लास्टिक लगा होने की वजह से ये डाइनिंग टेबल का जो मैट है ये बहुत यूजफुल है। अब अगर आपने फैब्रिक का कोई क्लॉथ बिछा रखा है और उसके ऊपर ये मैट्स रख रखे हैं तो कुछ भी जो गिरेगा वो नीचे फैब्रिक तक नहीं पहुंचेगा, और आपका जो डाइनिंग टेबल का कवर है वो बिल्कुल सेफ रहेगा। अब इसको थोड़ा सा अब हम करेंगे डेकोर। अब इसको डेकोर करने के लिए हमने ली कुछ इस तरीके की स्टिक जो कि पनीर टिक्का वगैरह हम बनाते हैं उसमें काम आती हैं। चौड़ाई के हिसाब से इसको कट कर लिया हमने, और इसको सुई धागे की मदद से ही नीडल की मदद से हम इसमें लगा देंगे। तो डिज़ाइन जो मैंने लिया देखिए कुछ इस तरह का डिज़ाइन मैंने इसमें लिया, और बहुत आसानी से आप इसे नीडल की मदद से इसमें छोटे छोटे टांके लगा के आप इसे सिल सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलेगी, बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप इसे वॉश करेंगे तो मशीन वॉश नहीं करेंगे, आप इसे हाथों से ही धोइए, हैंड वॉश इसके लिए यूज़ करिए। तो देखिए इस तरह से टांके हमने लगाए और बहुत अच्छे से ये स्टिक्स जो हैं इसमें लग गई, एक अलग सा स्टाइल इसमें निकल कर आया। और देखिए इन्हें लगाने के बाद अब थोड़ा सा मुझे इसमें डेकोरेशन और करना था, तो उसके लिए देखिए फर्दर आगे बढ़ेंगे। पहले देख लीजिए ये कितनी अच्छी तरीके से देखिए लग गई हैं। ये इस तरह के डाइनिंग टेबल के मैट्स को आप चाहें तो डेकोर करिए या इन्हें ऐसे भी यूज़ करिए, बहुत यूज़फुल हैं। अब मैंने लिया प्लेन फैब्रिक, क्योंकि जो डाइनिंग टेबल के मैट्स हैं वो थोड़े से प्रिंटेड हैं, और इनको मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया। ये फैब्रिक भी मैंने थोड़ा सा टेरिकॉट टाइप लिया ताकि इसे भी धोने के बाद इसमें बिल्कुल भी सरवट वगैरह नहीं पड़े। और देखिए स्क्वायर को इस तरह से कॉर्नर से कॉर्नर मिलाया, एक ये शेप थोड़ी सी देखिए
तैयार हो गई। अब जो ये सामने एक्स्ट्रा कपड़ा था इसको अब हम कट कर लेंगे और एक छोटी सी जो पत्ती टाइप का एक स्ट्रक्चर है देखिए वो बन जाएगा। इस तरह के मैंने दो बनाए और इनको पीछे की तरफ से देखिए जहाँ पे जोड़ था वहाँ पे सिल लिया और इन दोनों पीसेस को अब मैं लगा लूँगी अपने मैट पे, डाइनिंग टेबल के मैट पे, और ये बहुत ही सुंदर लगेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा डेकोरेशन जब हम कर देते हैं तो हमारी एक जो है नॉर्मल सी चीज़ भी बहुत अच्छी लगने लगती है। और क्योंकि इन सब चीज़ों को बनाने में नॉर्मली हम पुराने कपड़ों का यूज़ करते हैं तो ये इन डेकोरेशन के बाद बहुत सुंदर लग जाती हैं। बहुत सुंदर लगे, बहुत ही प्यारे लगे ये बनने के बाद, और इसके साथ साथ ये यूज़फुल भी हैं क्योंकि ज़्यादातर जब हम बेड वगैरह पे भी बैठते हैं तो हम मैट्स को अगर हम जैसे न्यूज़पेपर बिछा लेते हैं तो आप इस तरह के मैट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैंने सब चीज़ें बहुत जैसे डाइनिंग टेबल में थोड़ा सा डेकोरेशन चेंज कर दिया और जितनी भी चीज़ें इसमें मैंने लगाई हैं सुई धागे की मदद से वो बहुत अच्छे से लगाई हैं। और एक तो ये प्लास्टिक लगे होने की वजह से बिल्कुल इसमें कहीं सरवट नहीं है, बिल्कुल प्लेन लग रहे हैं और बिछाने में आसान है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हमने इसे मार्केट से लिया है। आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा। बहुत सुंदर लग रहे हैं ये यहाँ पे। और ये हो गई एक हमारी बहुत ही सुंदर सजाने की चीज, मुझे बहुत पसंद आए। और जब हस्बैंड भी आए तो वो भी बोल रहे थे कि तुमने इन्हें कब खरीदा, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है। तो मैंने बताया ये मैंने आज दोपहर में ही स्टिच किए हैं। आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा। और अब चलते हैं अपने दूसरे बहुत ही अच्छे और यूजफुल आइटम की तरफ। अब जो हम दूसरा आइटम बनाएंगे वो है देखिए, ये है मेरी जो है वॉशिंग मशीन, फुली ऑटोमेटिक IFB की ये वॉशिंग मशीन है। ऊपर की तरफ देखिए इस तरह से लोहे का जाल लगा हुआ है जिससे कि काफ़ी धूल आती है, कभी कभी बारिश की छींटे भी यहाँ पर आती हैं। तो मुझे इस मशीन को ऊपर की तरफ से कवर करना था अच्छी तरह से, जैसे मैं इसमें प्लास्टिक लगा दूँ तो इसमें बिल्कुल भी पानी ना जाए। और वैसे भी जब हम कपड़े वगैरह धोते हैं तो पानी चला जाता है। तो मैंने क्या किया, ऊपर के साइड का मेजरमेंट लिया और जो भी साइड में जितनी ये ऊंची है वॉशिंग मशीन, सारे अच्छी तरीके से मेजरमेंट लेने के बाद मैंने कपड़े को कट किया। कपड़ा मैंने इसके लिए अगेन जो लिया वो एक टेरिकॉट का कपड़ा था, देखिए इस तरीके का प्लेन टेरिकॉट का कपड़ा है जिसे धोने के बाद बिल्कुल भी प्रेस करने की जरूरत नहीं है। तो जब मैंने इसको पूरा कट किया, वैसे मैंने इसे थोड़ा सा डिजाइन इसका मैंने लास्ट में चेंज कर लिया था, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो इसको मैंने देखिए इस तरह से कट किया, तो दो जो ये है ऊपर का पीस जो ऊपर रहेगा, सामने का पीस, और ये दोनों हैं साइड के पीस, पीछे के साइड का मैंने नहीं बनाया। अब देखिए थोड़े से कपड़ा, थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा बच भी गया। आप जिस तरह से भी, अगर आपकी टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन है तो आप चारों तरफ का ले सकते हैं, ऊपर का नहीं लेंगे। और लाइनिंग के लिए अगेन जो व्हाइट फैब्रिक मेरे पास था वो मैंने ले लिया। अब देखिए मैंने इसके लिए भी जो है आटे के बैग का यूज़ किया क्योंकि मुझे इसे केवल अभी स्टार्टिंग में जो मैंने प्लान किया था वो ये था कि मैं केवल इसे ऊपर से जो है प्लास्टिक से कवर करूंगी, जो कि बाद में मैंने चेंज कर दिया। तो मैंने जो अपना ये आटे का बैग है इसको मैंने ऊपर के जो मेरा कपड़ा था उसके मेजरमेंट के हिसाब से कट कर दिया। और देखिए उसके बाद जो लाइनिंग लगा के जैसे हमने डाइनिंग टेबल के अपने सिले थे बिल्कुल उसी तरीके से मैं इसे सिलूंगी, लेकिन अभी मैं प्लास्टिक नहीं लगाऊंगी। तो देखिए लाइनिंग का कपड़ा मैंने कट किया और देखिए बाद में मैंने थोड़ा सा इसको चेंज इसलिए किया कि वॉशिंग मशीन में जब जहां कहीं भी जैसे बाथरूम वगैरह में हम रखते हैं तो उसमें पानी चारों तरफ से पड़ता है। तो देखिए इस तरीके का ये मेरा मैट्रेस का कवर प्लास्टिक का था, तो इसके लिए मैंने क्या किया, जो साइड का कपड़ा था उसके लिए भी जो है प्लास्टिक जो है कट कर ली और मैंने साइड में भी सोचा कि मैं प्लास्टिक लगाऊंगी। तो देखिए साइड में मैंने क्या किया, इस तरह से देखिए इस प्लास्टिक को लगाया और ऊपर से इस तरीके से सिलाई कर दी। तो ये प्लास्टिक जो है मैंने वॉशिंग मशीन का जो कवर बना रही हूँ उसके तीन साइड भी लगा दी और ऊपर के साइड में मैंने केवल अभी क्या बनाया है, केवल एक बैग बनाया है, उसमें अभी मैंने जो है अभी अपना आटे के बैग का कटिंग नहीं डाली है। तो देखिए इस तरह से फ्रंट पे लगा दिया और मैंने साइड के दोनों हिस्सों में ये प्लास्टिक लगा दी। अब जो मैं वॉशिंग मशीन का कवर बनाऊंगी उसमें बिल्कुल भी पानी कहीं से भी नहीं जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे मैंने लिया ये इस तरीके का जो मेरा जो ऊपर का कपड़ा था, अभी सॉरी मैंने उसे स्टिच जो किया था, तो ये जो साइड के जितने भी हैं देखिए ये सारे मैंने ले लिए और जो ऊपर का कपड़ा था इसमें मैंने अब क्या करना है, इन सब को स्टिच करना है। तो मैंने साइड के जो थे वो दोनों जो ये अपना बैग बनाया है ऊपर का जो पार्ट बनाया था मैंने उसमें हमको इनको स्टिच कर लेंगे दोनों साइड के पार्ट को और फ्रंट के पार्ट में लगा देंगे लेस।
तो इस तरह से देखिए हमारे तीनों दो पार्ट तो हमने सिल लिए और तीसरे पार्ट के लिए देखिए लेस लगा दी। अब जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अब इसे ध्यान रखिएगा, जो हमारा ये ऊपर का पार्ट है इसमें अब हमें फ्रंट का पार्ट ऐड करना है। लेकिन फ्रंट का पार्ट ऐड करने के लिए आपके पास रिबन हो, लेस हो, उसके टुकड़े लीजिए, इस तरह से नहीं रखेंगे, आधा इसे इसके ऊपर रखेंगे और आधा इसे बाहर की तरफ रखेंगे। थोड़ा सा मैं इसे दिखा नहीं पा रही हूँ, मैंने गलत दिखा दिया। तो जो ये लेस मैंने रखी है इसको बाहर की तरफ भी आप निकाल के रखिएगा आधा, और आधा अंदर की तरफ, और इस तरीके से इस पार्ट को भी आगे आप इसमें जोड़ देंगे। अब इस तरह से देखिए जब ये पूरा जुड़ जाएगा पूरा, तो देखिए बहुत अच्छा सा एक हमारा डाइनिंग टेबल का कवर रेडी हो जाएगा। और लास्ट में हमें क्या करना है, अपना जो प्लास्टिक का पार्ट है वो इसके अंदर डाल के ऊपर से स्टिच कर लेना है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने डाइनिंग टेबल के मैट्स में स्टिच किया था। तो इस तरह से देखिए हमारा ये एक बहुत ही खूबसूरत मशीन का कवर तैयार हो जाएगा। अब हम इसको लगाएंगे कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए लेस को मैंने आधा अंदर की तरफ रखा है और आधा बाहर की तरफ रखा है। पूरी मेरी जो वॉशिंग मशीन है वो अच्छी तरीके से कवर हो गई, और इसके ऊपर मैंने रखी अपनी हाथ से बनी हुई ये बास्केट, जो कि मैंने जब अपने यूटिलिटी एरिया का मेकओवर किया था तब बनाई थी। और इस ये देखिए प्लास्टिक लगे होने की वजह से मशीन हर तरफ से कवर है, और आगे मैंने लेस लगा के कॉर्नर्स पे बांधने का बना दिया। और इस तरह से देखिए जब आपको मशीन चलानी हो आप इसे खोलिए और आगे से कर दीजिए इस तरीके से रैप, और ऊपर की तरफ हम इसको नॉट बना के रख देंगे। तो देखिए आधी लेस नीचे लटक रही है और आधी ऊपर की तरफ है, और हम क्या करेंगे बस इसे ऊपर से इस तरीके से बांध देंगे। और बिल्कुल जो भी आपको कपड़े धोने हैं किसी भी तरह का, जैसे मशीन को साफ करना है, तो आप आराम से इसे यूज कर सकते हैं। और बहुत ही एक मतलब ये मेरे लिए बहुत ही यूजफुल चीज़ थी, क्योंकि मैं मशीन को ज़्यादातर किसी पॉलीथीन से या बारिश वगैरह आती थी तो ढका करती थी, और इस तरह से ये बहुत ही सुंदर एक आइटम मेरा रेडी हो गया। आपको दोनों आइटम में से कौन सा ज़्यादा पसंद आया ज़रूर बताइएगा। मुझे दोनों ही चीज़ें बहुत पसंद आई, ज़रूर बनाइए और मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसे लगे। तो ये थे मेरे आज का वीडियो जिसमें मैंने घर सजाने और संभालने दोनों की चीज़ें बताई। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।